सेल्फी खिचा त सँगै अब खिचो अब तिन आदमीकै अब हमार आइफोन हो आज में रे का बने बड़े वे भाई वही देखो बाबू ये तो फायर वाला बनाया है। गुड मॉर्निंग भैया, बज रहा है 9:15, आज है संडे, जगे हैं लेट में और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे गांव। आज गांव सोच रहे हैं कि जाएं और शाम तक चले भी आएंगे। देखता का कुल खोज ले बड़ी है, कुल खोज करत रहता रह। ज़्यादा कुछ देरी नहीं किए और फटाक से निकल रहे हैं गांव। जब से हेलमेट लिए हैं तो आज पहले बार इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रात में जाके एक बढ़िया नींद पूरा हुआ है भैया। नहीं तो भैया परसों नसों दो दिन से तो हालत ख़राब हो गई, कल जाके थोड़ी सी अच्छी नींद पूरी हुई। उसमें भी संडे था, थोड़ा सा लेट तक ही सो लिए। तो गांव मुझे जाना, कल ही चला गया होता लेकिन बिजली कटौती की वजह से मैं नहीं गया, इसलिए मैं आज निकल रहा हूँ। मेरे बाइक का जो है क्लच प्लेट जो है ख़राब है, और क्लच प्लेट जब तक सही नहीं होगा तब तक एवरेज भी मुझे लग रहा है कि सही नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगले महीने में। अच्छा आवाज़ बताओ कैसे आ रही है? हेडफोन से ही मतलब कि लगा है, उसी का माइक इस्तेमाल कर रहे हैं और हेलमेट के अंदर है, इस वजह से थोड़ा सा नॉइज हो सकता है कि रिमूव हो। आप बताओ कैसा आवाज़ है? अभी जा रहे थे गांव और फिर उसके बाद से रुक गए यहाँ पे। और भैया ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट हुआ है 10 मार्च से शुरू हो गया, और आप लोग इंजॉय ले सकते हैं। कुछ टिकट उकट के कुछ प्राइस में देख रहे हैं चेंजिंग। सोमवार से शुक्रवार 400, शनिवार रविवार 450, सोमवार से शुक्रवार 10:30 से 3:30 तक, और शनिवार रविवार 10:30 से 4 तक। चलो भाई इंजॉय लो आप लोग वाटर पार्क का, और 10 तारीख से शुरू हो गया है, चालू हो गया, और आइए मजा लीजिए। देख रहे हैं जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो ही गया है, इसलिए फुर्सत में आएंगे तो फिर अंदर वाला भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें चाय पीने का, चाय तो भैया मस्त वाली पी लिए, अब निकलते हैं। गेहूँ भी अब लग रहा है पक ही जा रहा है, अब लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में कट ही जाएगा। पहुँच गए घर पे, तो अभी पहला काम सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो बहुत टाइट फंसा हुआ है, इसलिए सिलेंडर बदला नहीं पाया है उसको पहले। फाइनली ये भैया इतना उरे फंसा था कि क्या बताया, जब फंसा रहा तब बनाओ चाहता था वीडियो ना। चलो निकल तो गया ये, चलो गैस लाते हैं। पूरा तेल डाल के बिगाड़ दिल बड़ा तो तुरंत निकल गया, देख तुरंत देखो वह का तुरंत कुछ नहीं है, वैसे जाके एक मिनट में निकाल देनी है हमें। कहा जाने तो लोगे कोई से सिलेंडर तो मिल गया यहाँ से, नहीं तो ये कल ही मिल गया होता। कहाँ कल भाई कहा भागे लगा ले। चलो भैया काम हम तो हो गया सिलेंडर अंडे का, अब थोड़ा सा काम है खाना पहले काम। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत के तरफ घूमने, हम सोनू भैया मास्टर साहब। आज भैया कितने दिनों के बाद हम जो है अपने खेत की तरफ आए देखने के लिए कि गेहूं धान कैसा है, धान सुख रहे हैं गेहूं। अपना खेत हो तो भैया देख लिए घूम लिए, और मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन के बाद जो है हमारा सरसों कटेगा, लेकिन चलो फिलहाल में अभी हम निकलते हैं बलिया, मुझे जाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं बबलू भैया को मतलब ट्रेन धरनी है, उनको छोड़ना है। तो बीने के घर पर अभी हम आए हैं, और देखो भाई बीने के ये जो रूम है प्लास्टर हो रहा है, पहले ये प्लास्टर नहीं था लेकिन अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है प्लास्टर होने के बाद। अब हम लोग इसी में अपना सब व्यवस्था बनाएंगे, पूरा फर्स्ट क्लास के पुट्टी उट्टी लगा के, फर्स्ट क्लास का सोफा कुर्सी सब लगा के मस्त। चलो यहाँ पर भी लाइट आ गई देखो, अब हम निकल रहे हैं बलिया। चलो भाई हम और बबलू भैया निकल गए घर से, और बबलू भैया को देखो
कहाँ पे गाड़ी खराब तेल को जाना है, बक्सर वैसे तो देखते हैं। तो बक्सर बाजार होते हुए जा रहे हैं हम लोग, कल्पना जा रहे हैं छोड़े मिलकर। चलो ये रहा रोड भी जो है बन गया है, बढ़िया हो गया एकदम से, इसको दोहरा बना रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहुंचे हैं यहाँ पर फेफना और यहीं से बबलू भैया को गाड़ी धराएंगे। लेकिन देखो भाई साहब, ये पीछे दिख रहा है ना गोलंबर, हेलमेट हाथ में है, हेलमेट का लाकर भी टूट तोड़ दिए ना, तो गोलंबर दिख रहा है ना। और जस्ट इसके सामने देखो, ये देखो ये तो कितना बड़ा सा बेकरी का दुकान भैया, वो भी फेफना वाले जगह पर, अनिल बेकरी दिख रहा है ना गोलंबर इसके जस्ट सामने। एक बार घूमते हैं अंदर, अंदर का देखो भाई डेकोरेशन कितना मस्त लग रहा है ना, मस्त। यहाँ पर बेकरी वेकरी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और एक फैमिली कैबिन भी उधर है बर्थडे मनाने के लिए। फेफना में भैया इतना बढ़िया बेकरी, इतना बड़ा बेकरी तो मुझे बलिया में नहीं देखने को मिला, इतना बढ़िया बेकरी फेफना में मिला देखने को, लेकिन बहुत बड़ा बेकरी, बहुत बड़ा है, मस्त है। लेकिन बैठो बैठो जा, बुक जा रहे हैं गुल्लक पर बबलू। चलो बबलू भैया का फाइनली गाड़ी मिल गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधे बलिया। बलिया हाँ भाई चलांस, पेंसिल लिए हो क्या? क्या करोगे पेंसिल लिखोगे? हाँ ले भाई बेटी, जग जाओ जग जाओ। भैया तो कभी से जग के खेल रहा है, पिंटू पढ़ रहा है और तुम सोई हो, जगो। ए आज भैया घर पे बना है पूरी सब्जी। ए पिंटू सुना सुना, तने तो आम का अचार लिया वो ना। खाना पीना हो गया, रात के बज रहा है 11, नींद बहुत तेज लग रही है क्योंकि आज थोड़ा सा गांव गए, फिर गांव से फिर फेफना होके फिर उधर से फिर मतलब यहाँ पर चले आए हैं। आज थोड़ा सा मतलब गाड़ी चलाएं, उतना नहीं चलाएं, इससे ज़्यादा ज़्यादा मुझे चलाना है, इतने से क्या होने वाला, लेकिन फिर भी नींद लग रही है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी कल के ब्लॉग में।